यूपी के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से डकैती हुई, उसके बाद मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, तमाम लोग जेल चले गए, कुछ लोगों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया। हालांकि उसे भी अब अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है, लेकिन मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर के प्रदेश की राजनीति गर्म है। दूसरी तरफ यादव समाज बेहद गुस्सा है। खुद अखिलेश यादव इस पूरे मामले में लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं और मंगेश यादव को न्याय दिलाने की बात कह रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद जब पुलिस मंगेश यादव के शव को अंतिम संस्कार के लिए रात में ही ले जाना चाहती थी, तब अखिलेश यादव ने बाकायदा फोन किया और फोन पर हालचाल लिया, बातचीत किया और उसके बाद आला अधिकारियों को फोन मिलाया, तब जाकर के बॉडी उनके परिवार वालों को मिली और वो ले जाकर के जौनपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अंतिम संस्कार किया। लेकिन अब इस मामले को लेकर के योगी ने भी जवाब दे दिया है। लेकिन योगी और अखिलेश की जो नूरा कुश्ती इस एनकाउंटर पर चल रही थी, उसके बीच में अब बसपा सुप्रीमो मायावती भी कूद पड़ी है। मायावती ने बाकायदा दोनों को फटकार लगाते हुए बड़ी बातें कही हैं। मायावती ने एक्स पर लिखा है, यूपी के सुल्तानपुर जिले में एनकाउंटर की घटना के बाद से बीजेपी और सपा में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं तथा अपराध, अपराधी व जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। अर्थात बीजेपी की तरह ही सपा सरकार में भी कई गुना ज्यादा कानून व्यवस्था का बुरा हाल था। दलित, अन्य पिछड़े वर्ग, गरीबों व व्यापारियों और आदि को सपा के गुंडे माफिया दिन दहाड़े लूटते और मारते पीटते थे, ये सब लोग भूले नहीं हैं। जबकि यूपी में वास्तव में कानून द्वारा कानून का राज बीएसपी के शासन में ही रहा है। जाति व धर्म के भेदभाव के बिना लोगों को न्याय दिया गया है। कोई फर्जी इनकाउंटर आदि भी नहीं हुए। अतः बीजेपी व सपा के कानूनी राज के नाटक से सभी सजग रहे। यानी मायावती प्रदेश की जनता को इन दोनों की नूरा कुश्ती के बारे में सजग कर रही हैं और उन्हें ताकीद कर रही हैं। लेकिन मायावती कई दिनों के बाद जागी हैं और उन्होंने ये पहला बयान दिया है। हालांकि उनकी पार्टी का कोई भी डेलीगेशन अभी तक वहां नहीं गया है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन प्रदेश अध्यक्ष के साथ गया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुद मंगेश के पिता और उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचे हैं, क्योंकि जिस दिन से एनकाउंटर की बात सुनी है, मंगेश की माँ बिस्तर पर पड़ी है, जबकि बड़ौदा गुजरात में काम करने वाले पिता भी वापस आ करके घर में ही बैठे हुए हैं। लेकिन इस बीच में उनके घर परिवार का हालचाल सभी लोग ले रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही अखिलेश यादव भी जौनपुर जाएंगे और वो मंगेश यादव के परिवार से मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर मंगेश यादव के घर की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि इस कुख्यात और इस शातिर अपराधी का घर देखिए, जिस घर में टीन की छत हो, इसके अलावा बगल में एक झोपड़पट्टी हो जिसमें उसकी माँ बीमार हालत में पड़ी है। अब मंगेश का ये मुद्दा तेजी से यूपी की सियासत में जोर पकड़ता जा रहा है और आशंका है कि ये मुद्दा अब उपचुनाव तक जरूर जाएगा। लेकिन इसको लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बेहद आक्रामक है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।